हमारे साथ रत्नेश सदा जी हैं सर, आप आज मंत्री बन गए, आपने शपथ ली, अब क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? नीतीश जी ने आप पर बहुत विश्वास किया, कई लोग रेस में थे, मौका आपको मिला है। सर्वप्रथम मेरा प्राथमिकता रहेगा विभागीय काम जो अधूरा पड़ा हुआ उसको करके पूरा करेंगे, और हमारे समाज में जो गरीब गुरबा है, भूमिहीन है, जो माननीय मुख्यमंत्री का विजन है 3 डिसमिल से 5 डिसमिल जमीन उसको लेंगे, और उसके साथ साथ उन्हीं का विजन है टोला स्वयं सेवक विकास मित्र को रोजगार देने का काम किया, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, जीतन राम मांझी के बेटे थे संतोष सुमन, वो हम पार्टी के प्रमुख भी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद आपको मौका दिया जा रहा है, तो जनता की उम्मीदें आपसे काफी बढ़ गई? हम कर्म पर विश्वास रखते हैं, हम कर्म करके जनता को उम्मीद को पूरा करें। अच्छा नीतीश, आप 2010 से जीत रहे हैं जहां तक मैं जानता हूं, जदयू में हैं, कब आपको मैसेज किया कि अब आपको मंत्रिमंडल में आना है? हमको मैसेज नहीं गया, 13 तारीख को पहले संसदीय कार्य मंत्री का फोन गया, कहाँ रत्नेश जी, हम कहे सर क्षेत्र से सुबह मैवे किए हैं, 11 बजे स्नान किया, स्नान करके खाना उना खाकर थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर महाराष्ट्र जाना है, यही सोच करके हम कहा कि तू आप रात में चले आइए। फिर 10 मिनट के बाद माननीय मुख्यमंत्री के फोन जाते हैं 1:30 बजे और कहते हैं 6 बजे तक पटना पहुँचिए। हमको शक हुआ कि विपक्षी एकता कहीं बैठक तो नहीं हो गया है, उसमें कोई अधिक दायित्व देने वाले, यही कह करके। अच्छा, 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक पटना में हो रही है नीतीश की अध्यक्षता में, क्या आप चाहेंगे कि नीतीश विपक्षी दलों को लीड करें, पीएम कैंडिडेट बने विपक्षी दल के? वो विपक्षी एकता कर रहे हैं, अभी कोई पीएम का उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, क्या पीएम मटेरियल है, क्या पीएम बनने की काबिलियत उनमें है, क्या नीतीश कुमार मोदी को टक्कर दे सकते हैं आपके नजर में? अगर देश में मोदी अगर डरता है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार से ही डरता है। अच्छा, एक चीज ये देखा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में है, तो लगातार बीजेपी ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि जब तक केंद्र में बीजेपी और बिहार में एनडीए था तब तक मजबूती से काम हो रहा था, विकास हो, तो अब सारे विकास काम बिहार में ठप पड़े हैं तो 60 और 40 की बात है, तो 60% काम देते हैं, जितना भी केंद्रीय योजना उसमें पैसा देते हैं, वो जरूरत पड़ेगा तो अभी दिल्ली का चक्कर लगाएंगे ना बिहार को उसका हक दिलाने के लिए, अब आने वाला समय बताएंगे। ये रत्नेश सदा हैं जो मंत्री बने हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि जनता की उम्मीदों पर मैं पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करूंगा, नीतीश को भी धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ श्याम कुमार, ABP News पटना।